मैंने लगातार इतनी बार सुन्न होकर बाईं ओर स्वाइप किया था कि मैं लगभग चूक ही गया था। काश मेरे पास होता। मेरी पत्नी एलिसन को मरे पूरे 2 साल हो गए थे, फिर भी वह टिंडर पर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी तस्वीर में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह गुजरी थी तब की तुलना में वह अधिक उम्र दिख रही थी। कमरे से सारी हवा बाहर चली गई। मैंने उसकी शेष प्रोफाइल पर नजर डाली। वहां कोई लेखन नहीं था, लेकिन मेरी मृत पत्नी की 3 अन्य तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जिनमें से एक में उसके पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी शामिल थी। हालांकि मुझे पता था कि वह कभी न्यूयॉर्क शहर नहीं आई थी, कम से कम मेरी जानकारी में प्रोफाइल का नाम सही था। ठीक इसके बाद अगर मेरी पत्नी जुलाई 2020 के बाद ही जीवित रही थी, लेकिन उसका स्थान 9 मील दूर था। मैंने दाईं ओर स्वाइप किया और लगभग 2 मिनट में पहली बार सांस ली। मैं अगले 48 घंटों तक सोने के लिए संघर्ष करता रहा। कभी मैच नहीं मिल रहा। टेंडर को संदेश भेजने और उन्हें ये बताने के लिए तैयार हूँ कि कोई उनके ऐप पर मेरी प्रिय मृत पत्नी का प्रतिरूपण कर रहा है और उसे ऐसी तस्वीरों में डालने के लिए किसी प्रकार का जादुई फोटोशॉप कर रहा है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। मैच सुबह 3:33 बजे आया, जिससे मेरे फोन की लाइट जल गई। मैं पहले से ही जाग रहा था। उद्धरण: मैच एक संदेश लेकर आया, बस एक साधारण नमस्ते। किसी भी स्थिति में ये सबसे खराब स्थिति है, इसे तो छोड़ ही दे। मैंने अपने फोन पर अक्षरों को जितनी जोर से और तेजी से मसल सकता था, मसला डॉट डॉट, ये कौन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें मेरी पत्नी की ये तस्वीरें कहां से मिली। वो 2 साल पहले सर्वाइकल कैंसर से मर गई, हे राक्षस। उत्तर पाने से पहले मुझे 24 घंटे और इंतजार करना पड़ा। यह आधी रात को फिर आया। डेरेक, मुझे तुम्हारी याद आती है। जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। बस इतना ही था। जो हुआ उसके लिए क्षमा करें। उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, जिसे वह किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी। और क्या मुझे यह विश्वास करना चाहिए था कि मेरी मृत पत्नी की आत्मा ने टिंडर प्रोफाइल में रहने का फैसला किया और मुझ पर हमला किया। जब ये विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे तो मुझे एक और संदेश मिला। क्या आप घर पर हैं? क्या बकवास है। इससे पहले कि मैं अपना उत्तर बना पाता, मुझे एक और उत्तर मिल गया। मैं बाहर हूँ। मेरा खून ठंडा हो गया। मेरी रसोई के अंधेरे में कुछ खड़खड़ाहट हुई और मैं उछलकर बिस्तर पर लेट गया, और तब मुझे एहसास हुआ कि यह फ्रिज में बर्फ बनाने वाली मशीन में बस बर्फ गिर रही थी। एक और संदेश: पवित्र बकवास, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। क्या किसी को तो मेरे साथ चोदना ही था, लेकिन इतना क्रूर और शैतान कौन होगा। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों जो काम के दौरान मुझे पसंद नहीं करते हों, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इतना आगे तक जाता हो। एक और संदेश: कोई बात नहीं, विचार के लिए अब समय नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो। कोई बात नहीं, मुझे मिल गया। मैंने अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और मैं अपने बिस्तर में दुबक गया। मैंने वापस लिखना शुरू किया। क्यों? मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता। इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू कर पाता, एक और संदेश आ गया। तुम बहुत जल्दी टिंडर पर आ गए, डेरी। पालतू जानवर का नाम केवल हम दोनों ही एक दूसरे के बीच इस्तेमाल करते थे।
जैसे ही मैंने अपने खुले शयन कक्ष के दरवाजे की ओर कदमों की आहट सुनी, उस नाम को कौन जानता था, ये बात मेरे दिमाग में घूम गई। फिर कदम बाहर ही रुक गए। उनके साथ मेरे इनबॉक्स में एक ताजा संदेश भी था। आपको मेरे लिए शोक मनाना चाहिए था। टिंडर पर 23 साल की लड़कियों को चोदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे बाप रे, मुझे वही एहसास हुआ कि यह किसी भी प्रकार के संदेश को त्रुटिहीन रूप से विरामित करने के लिए एलिसन की विचित्रता का अनुसरण कर रहा था, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैश को 23 वर्षीय में डाल दिया। आखिरकार मैंने बात की। एलिसन, मुझे क्षमा करें, मुझे तुमसे प्यार है, आपकी याद आ रही है। मेरा पेट 2 साल से बीमार है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ा। मैंने लगभग 1 वर्ष तक अधिकांश सुबह उल्टी कर दी। मैं बर्बाद हो गया था। मैं काम नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन आखिरकार मैं इसे एक साथ रखना शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपने शयन कक्ष के दरवाजे की लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरा गला सूख गया, मैं अब और कुछ नहीं बोल सकता। मेरा गला भर आया है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तब था जब मैंने एलिसन की स्तुति देने की कोशिश की थी। मुझे बहुत खेद है, सब कुछ चोट पहुंचाता है। प्रत्येक दिन आप मेरे एकमात्र प्यार हैं, हमेशा के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। मैं कुछ भी सुन या देख नहीं सका, लेकिन मैं दरवाजे के दूसरी ओर किसी को महसूस कर सकता था। तब मैं नहीं कर सका। तभी मैंने दूर तक कदमों की आहट सुनी। तभी मैंने अपने दरवाजे को फिर से बंद होने की आवाज सुनी। मैंने ऐप चेक किया। मेरे पास एक संदेश मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, अलविदा एक्सो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रीढ़ मेरे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मेरा पूरा अस्तित्व सुन्न हो गया। मैं एक अजीब से कटे हुए दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सका। वह ये थी, मैं बाहर सामने के दरवाजे तक गया और बाहर देखा। जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। मैं शयन कक्ष में अपने फोन के पास वापस गया। एलिसन की प्रोफाइल हटा दी गई थी। मुझे ठीक लगा। कुछ रात पहले तक मैं एक 26 वर्षीय व्यक्ति के साथ डेट से वापस आने के बाद टिंडर पर मिली थी। मैं अपनी कार में कुछ ड्रिंक्स और मेकआउट सेशन के बाद थका हुआ घर आया। ऊंचे पर मैंने उस लड़की की तस्वीरें देखने के लिए ऐप की जांच की, जिसकी जीभ अभी मेरे मुंह में थी, और मैंने देखा कि मेरे पास एक नया लाइक था। मेरा खाता प्रीमियम पर था, इसलिए मैं देख सकता था कि यह कौन था। ये फिर से एलिसन था, लेकिन उसी प्रोफाइल के साथ। वह केवल 1 मील दूर थी। मैंने दाईं ओर स्वाइप किया। आइए देखें कि यह कहां जाता है।